आज मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ भाई, हर ब्लॉग में मैं लेट पहुँचता हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स बिहारी बाइकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपने अपने घरों में रह रहे होंगे। तो गाइज, आज का दिन है संडे और हम लोग निकल चुके हैं संडे राइड के लिए, और संडे का तो आपको व्यू पता ही है कैसा होता है। बाकी आप देख सकते हो अभी टाइम हो रहा है 5:40, और गाइज आज मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ भाई, हर ब्लॉग में मैं लेट पहुँचता हूँ। और हमेशा मैं सुनने को मिलता है कि आप तो आदत हो चुका है, आप लेट हो। कल अपने ग्रुप पर भी बात हो रहा था यार, तो मैं टाइम बता रहा था, बोलो आधा घंटा आगे लेके चल रहे थे कि भाई प्रणय भैया आने वाले हैं तो वो तो आधा घंटा लेट ही आएंगे। तो गाइस आज इस चीज़ को दूर करना है और मैं आज जल्दी निकला हूँ, और मैं भी अभी नंबर वन पहुँचूँगा वहाँ पे। और भाई जो नीचे से फर्स्ट आ रहा था, मैं आज ऊपर से फर्स्ट आऊँगा। और अभी चलो फटाफट देखते हैं वहाँ पर पहुँच गए कि अभी कौन कौन भाई लोग पहुँचे हैं, या फिर सबसे पहले हम ही लोग आए हैं। क्योंकि गाइस अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ब्लॉग भी इसीलिए अभी इस जगह से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बीच में मैं कहीं ब्लॉग करने के चक्कर में धीरे हूँ। मैं एकदम प्रॉपर टाइम पे पहुँचना था मेरे को, और मैं प्रॉपर टाइम पे आ रहा हूँ। और भाई ये लोकेशन आप चेकआउट कर सकते हो, जब भी मैं इस जगह पे आता हूँ तो आप ये लोकेशन चेक कर दो। और बाकी यहाँ पर भाई लीन करने में बहुत सही होता है, और मुझे पता था कि अभी कोई भी नहीं है। और हम लोग पहुंच चुके हैं गाइज, और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आया, तो अभी हम लोग पीछे चलते हैं, वहाँ पे बैठेंगे और सबसे पूछते हैं कि कहाँ पे है वो लोग। और गाइज अभी आप सामने देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है सनराइज़ का। और इस टाइम पे यहाँ आने का ये भी मज़ा है कि इस चीज़ को आप देख सकते हो। गुड मॉर्निंग भाई। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, और आकाश भाई अभी अपने आए हुए थे, और भाई अभी कोई नहीं आया है। और आज का अटेंडेंस में नंबर वन हम हैं, रोल नंबर वन, टू साथ में हम दोनों आए हैं। आकाश भैया सेकंड हो गए हैं, क्योंकि आकाश भैया सोचे थे हम लोग के साथ आएंगे और हम लोग इनको फ़ोन ही नहीं किए। और अभी जो बाकी लोग बता रहे थे कि हम हर बार लेट होते हैं, अभी वो लोग कहाँ हैं, अभी वो लोग निकले भी नहीं हैं। एग्जैक्टली यही तो बोलते हुए आ रहे हैं कि हर बार लास्ट रहते थे, इस बार ऊपर से पहला रहेंगे, हर बार नीचे से पहला रहते थे। तो गाइज अभी सब कोई लेट है और अभी वो लोग निकले भी नहीं है, तो अभी हम लोग चलते हैं, एक शॉर्ट स्पिन लेके आते हैं मरीन ड्राइव का, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे राइड पे। इस राइड पे आज हम लोग को इस पुल के ऊपर ही जाना है गाइज, तो पहले अभी आते हैं हम लोग मरीन ड्राइव का एक राइड लेके, सुबह का माहौल चेक करके आते हैं मरीन ड्राइव का। अरे चाबी कहाँ है? ओ भाई इनलाइन 4। और सुबह का माहौल यार बहुत सही रहता है इधर का। और भैया स्कूटी हो तो क्या नहीं किया जा सकता है, मेरे को तो लगा था स्कूटी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता है, बट अभी लग रहा है स्कूटी के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। और भाई का स्कूटी सट गया वहाँ पे, चलो चलते हैं। ये लड़का एक्साइटमेंट में लगता है रात में सोया ही रह गया है, और अभी आया है लेट से। तो भाई अभी आप देख सकते हो आज संडे है, ये मरीन ड्राइव इवनिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा भरा रहता है, इतना ज़्यादा भरा रहता है कि आपको बस इस लाइन तक, जो वाइट लाइन बीच का दिख रहा है, इस लाइन तक आपको सिर्फ पार्किंग ही नज़र आएगी। और भाई यहाँ पे तो एक्सरसाइज चल रहा है जो कि आप देख लो, बहुत अच्छा लग रहा है साइड से देखने में। और अभी गाइस यहाँ पे पार्किंग नहीं रहती है गाड़ी की, क्योंकि भाई जो लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैदल ही आते हैं, जिनका घर इस तरफ नीचे के साइड में है, वो लोग ऊपर आते हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हैं और भी रहे हैं रनिंग कर। सो गाइस ये सब चीज़ चेकआउट करके बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपने फिटनेस को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्सर्न हो रहे हैं अब हमारे शहर में भी। और यहाँ पे अब स्पीड कैमरा लग चुका है, तो गाइस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि स्पीड कैमरा ऊपर लग चुका है, और अपने स्पीड को हम लोग भी लिमिट में रखेंगे। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा हम लोग स्ट्रेच आउट करेंगे, क्योंकि अभी जो ब्रिज है वो बार बार मैं ब्रिज बोल रहा हूँ, एक्चुअली है मरीन ड्राइव है, एक्चुअली जो मरीन ड्राइव है वो अभी थोड़ा खाली है, तो थोड़ा हम लोग पुल आउट करेंगे, स्ट्रेच आउट करेंगे, और अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। सो गाइज अभी चेकआउट करो, कितना खूबसूरत ये लग रहा है,
और लोग जब साथ में रनिंग कर रहे हैं तो वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार ये सब नज़ारा देख देख के। और अभी का जो इधर का व्यू है पूरा, अभी यहाँ पे कुछ फैक्ट्री सेटअप किया हुआ है जो ये सब चीज़ बनाया जा रहा है, कहीं पे ब्रिज बन रहा होगा तो उसके लिए ये प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी आप देख सकते हो, मतलब क्या बोला जाए यार, अल्टीमेट व्यू है, आप देखो और बस मज़े लेते रहो। एक तरफ हमारा सोनपुर ब्रिज था और एक तरफ वो गांधी सेतु है जो कि थोड़ा दिख रहा है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है बट गोप्रो से वहाँ तक का आ ही रहा होगा गाइस मोस्ट प्रोबेबली। मेरे को चांसेस तो लग रहा है कि गोप्रो में भी ये आ पा रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा उस एंड पे है ऑलमोस्ट। फाइनली हम लोग शॉर्ट स्पिन के लिए निकले हुए थे और शॉर्ट स्पिन लेके आ रहे थे तो यहाँ पे अभी हमें सौरभ भैया मिल चुके हैं, तो एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए थे और पीछे से बाकी सब आ रहा होगा। और लोग कहाँ? तो गाइज अभी हम लोग इस ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा था नीचे से, अभी हम लोग उसके ऊपर आ चुके हैं और आज इसको पूरा हम लोग कम्प्लीटली उस तरफ जाने वाले हैं, इसको पार करने वाले हैं। और जो हमारी टीम है वो भी आ चुकी है, जिन लोगों का हम लोग वेट कर रहे थे वो सारे लोग अभी आ चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से चलो चलते हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और गाइज ये अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर का होना चाहिए मेरे ख्याल से, एक बार अपने A2 बाइकर से पूछते हैं कितना किलोमीटर का ये ब्रिज होगा, ये ब्रिज कितना किलोमीटर का होगा? 2-3 की 8-10 किलोमीटर 3 किलोमीटर ज्यादा होगा पूरा पार करते हुए। हाँ वही तो बोल रहा है 8-10 किलोमीटर। सो गाइस अप्रॉक्सीमेटली हमने जो लग रहा है 8-10 किलोमीटर होगा, बट अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें 10,514 किलोमीटर रनिंग है, मतलब 14 पे हम लोग चल रहे हैं, 14 से अभी हम लोग देखते हैं कि कितना किलोमीटर अभी ये होने वाला है। तो गाइस चलो अभी चलते हैं फटाफट। और भाई एग्जैक्टली अभी हम लोग कहाँ पे हैं अगर मैं आपको बताऊँ तो एग्जैक्टली हम लोग दोनों साइड आपको गंगा जी नजर आ रहे होंगे, एग्जैक्टली हम लोग गंगा जी के ऊपर हैं और यहाँ पे जो विंड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज है और जो विंड ब्लास्ट आ रहा होगा मे बी अभी साइड 60-61-62-3 का स्पीड है और इसमें ही अभी विंड ब्लास्ट आ रहा होगा गाइस, क्योंकि अभी मेरे को जो हवा का जो फोर्स है वो राइट साइड की तरफ फोर्स लग रहा है और मेरे को इधर लेके जा रहा है। बट गाइस आज हम लोग अपने जेरी पे हैं तो जेरी पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है क्योंकि जेरी थोड़ी हेवी है। गाइस अगर हम लोग अपनी स्कूटी पे होते या ब्लैक हॉर्स पे होते अपने पाशे पे तो फिर ये फ्लो हमें थोड़ा धक्का देते हुए इधर ले जाता था, बट अभी हम लोग अपने जेरी पे हैं तो जेरी पे हमें कोई टेंशन नहीं है गाइस, जेरी पे हम लोग फुल पावर चल सकते हैं और ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। तो चलो गाइस एक बार हम लोग ब्रिज को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रिज के उस साइड। तो गाइस ये सो गाइज फाइनली हम लोगों ने इस ब्रिज को जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करने पे आ चुके हैं। एक्चुअली अभी भी ये थोड़ा ऊंचाई है, मतलब थोड़ा ब्रिज वाला ही अभी एरिया है, बट पीछे जो आपको वो दिखा था लाइन वहाँ पे हम लोगों ने ब्रिज को कंप्लीट कर दिया था। और गाइज हम लोगों ने गेस किया था कि ये 10 किलोमीटर का होगा बट ऐसा नहीं था, ये प्रॉपर 5 किलोमीटर का था। हम लोगों ने 514 पे चला था और 519 कंप्लीट हुआ है, मीन्स 514 पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रिज को साइड से और 519 पे हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो ये जो ब्रिज था ये 5 किलोमीटर का था। सो गाइज अभी हम लोगों ने 5 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी हम लोग बढ़ गए हैं सोनपुर के लिए और सोनपुर अभी जस्ट हम लोग के आगे ही है। और गाइज इधर आने के बाद आप देख ही सकते हो दोनों साइड का ग्रीनरी आपको नज़र आ रहा है। सो गाइज अभी आपको मैं चेकआउट कराता हूँ, अपना ऑक्टेन मोब्लॉग जो है उसके बाइक पर नया मॉडिफिकेशन कराया है उसने और जो मॉडिफिकेशन है वो मेरे को बहुत सही लग रहा था क्योंकि वो टायर जो नियॉन है इस पर रिंस बहुत अच्छे आ रहे थे और लुकआउट, मतलब जो आप रोड पर चलोगे तो बढ़िया इस पर लुकआउट आ रहा है और नीचे जो मोटो लिखा है वो भी बहुत सही लग रहा है। बट गाइज एक मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, वो पीछे वाला जो टेल पे इसने जो नियॉन करा लिया वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको इसका जो नया मॉडिफिकेशन है, नया स्टिकरिंग है वो कैसा लगा, नया रैप जो कराया है इसने वो कैसा लगा। तो चलो गाइज अभी हम लोग सिर्फ ब्रिज ही ब्रिज पार करेंगे और देखते हैं कहाँ तक चलना है फिलहाल। वेट
वेट कर लेना चाहिए बाकी सबका, क्योंकि फिर पता नहीं आगे से लेफ्ट या राइट किधर जाना है। अगर हम लोग किधर भी चले गए तो फिर इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस अभी जो मॉर्निंग का वेदर हो रखा है वो बहुत सही हो रखा है और बहुत मज़ा आ रहा है राइडिंग में। हम लोग बहुत टाइम के बाद मतलब एक लंबे राइड के लिए निकले हैं। चेकआउट करो, जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक आपको पूरा खाली प्लॉट दिखेगा, जिसमें कि अभी बहुत सारे चीज़ लगे हुए हैं। ऊपर का जो बादल है ये देख के बहुत मज़ा आ रहा है। और इधर पूरा आम का पेड़, आम का बगीचा बोल सकते हो यार, पूरे लाइन से सिर्फ आम के पेड़ ही नज़र आ रहे हैं मुझे। और अभी हम लोग चल रहे हैं किसी होटल में, वहाँ पे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि भाई अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ऑलमोस्ट 3-4 घंटे के बाद भूख लग ही जाता है। और हमारा तो ये काम ही है कि सुबह निकलो तो खा के बाहर कहीं आओ। तो अभी हम लोग कहीं रुकेंगे अच्छे होटल में, वहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट किए करेंगे। और सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हाजीपुर, और यहाँ पर आपको एरो दिख रहा होगा कि अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे तो मुजफ्फरपुर चले जाएंगे। बट गाइस हमें उतने दूर तक जाना नहीं है, बीच में ही हम लोग कहीं पर रुकेंगे। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रॉपर हाजीपुर टाउन के अंदर। सो गाइस अभी फिर से हमें जो सामने एक ब्रिज मिला है, ये ब्रिज बहुत सही है और बहुत अच्छा ब्रिज है ये, मतलब आप अभी देखोगे इसे हम इस पर हमें भगाने में बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस अभी हम लोग ब्रिज को पार कर चुके हैं और यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि अगर हम लोग 55 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो मुजफ्फरपुर पहुँच जाएंगे, और 110 किलोमीटर ठीक डबल तो दरभंगा पहुँच जाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग वैशाली पार कर रहे हैं, और भाई आज तो अल्टीमेट हो रखा है, मतलब आज हमें इतने ब्रिज मिल रहे हैं कि आप भी सोच रहे हो कि जब कैमरा आ रहा है सामने तो ब्रिज ही नज़र आ रहा है। और अभी हम लोग भगवानपुर पहुँचने वाले हैं गाइस, 8 किलोमीटर आ गए, अभी भगवानपुर आने वाला है। शायद वो छोटा सा जगह होगा, गांव होगा भगवानपुर, और अभी हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं। और ब्रिजेस इतने अच्छे बन चुके हैं यार पूरे बिहार में, गांव वाला एरिया ले लो या फिर आप कोई भी एरिया ले लो, देख रहे हो भाई रोड कितने सही है। ये NH वाला रोड है, और गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मतलब इस जगह पर राइड करके। ये तो मैं बाहर और बता रहा हूँ यार, हाउ आई एम फीलिंग टू राइड ऑन दिस रोड। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और हमें जाना था ममता फूड प्लाजा, हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। और अभी हम लोग वेट कर लेते हैं अपने सारे भाइयों का, और एक बार सारे भाई लोग अभी यहाँ पहुँचते हैं फिर हम लोग चलते हैं अंदर। और भाई बहुत तेज़ भूख लग चुका है, ब्रेकफास्ट करना है फटाफट। और फिर गाइस टाइम भी हो रखा है, अभी 8 बजने को आ गया है, तो गाइस हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर घर भी जाना है हमें। सो गाइस अभी सभी लोग आ रहे हैं, सभी बाइक लाइनअप हो जाएँ एक बार और फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से अंदर। तो गाइस आज आप चेकआउट कर सकते हो, आज अपने साथ स्कूटी भी है, बुलेट भी है, R15 भी है, और गाइस होंडा भी है, और अपनी जेरी तो है ही। तो गाइस फाइनली सब कोई आ चुके हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर। और तो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए थे ममता फूड प्लाजा में, और अभी हम लोग सारे लोग का ब्रेकफास्ट आ चुका है। और आज ब्रेकफास्ट में क्या है एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में हम लोग का है एक कचौड़ी, 2 कचौड़ी, सब्जी और इमरती। तो अपने A2 बाइकर को बहुत देर से भूख लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा अपन इतना झूठ बोलते हैं झूठ। अब भूख नहीं लगा आपको? हमको उतना नहीं लगा जितना आपको लगा। हमको तो लगा, आपको लगा कि नहीं ये बताइए। नहीं हमको नहीं लगा। और स्ट्रीट प्रीडेटर ऑक्टेन आ रहे उधर, बहुत लाइट आ रहा है, अंधेरा हो जा रहा है तुम लोग के मुँह पे। और सभी भाई लोग अभी इधर बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट लिए। राज गैस नहीं ना बना था? नहीं गैस नहीं बना था, बच गए। तो गाइस अभी फटाफट हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे ही बहुत तेज भूख लगा हुआ था, अभी खाते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं सीधे GoPro पर। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से फूड प्लाजा से निकल रहे हैं, और गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट मस्त हो चुका है, खा पी के एकदम पेट पूरा टाइट है सभी लोगों का, और बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना था। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और निकल के सीधा अभी हम लोग घर के लिए जाएंगे। और गाइस वापस से उसी रास्ते पे जाना है, तो वापस से सेम चीज़ दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं आप किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।